खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, जियो और जीने सिखा दो। जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बताइए सर। दोस्तों, एक स्ट्रिपेड किलबैक स्नेक रेस्क्यू किया हुआ था यहाँ पर पर्यावरण में। इस सांप को हम रिलीज करने के लिए आए हैं। वैसे तो बहुत सारे सांप हमने रिलीज किए, उनका अलग अलग वीडियो बनाया है ना। एक साथ वीडियो बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, सभी सांप अलग अलग वीडियो, जैसे अजगर है, धामन है, कोबरा है, सभी सांप जो है रिलीज किए और उनका अलग अलग। ये मुझे कुछ खास लगा क्योंकि हमारे यहाँ कम मिलता है, बहुत ये मिलता है, ऐसा नहीं महाराष्ट्र में मिलता है, बहुत ही कम है। इसे इंग्लिश में स्ट्रिपेड किलबैक स्नेक, महाराष्ट्र में इसे नानेटी नाम से जानते हैं। नानेटी इधर तो नहीं जानते इसको, नानेटी हम पहला बार सुन रहे हैं साथियों। ये महाराष्ट्र में नानेटी नाम से बहुत जानते हैं। दोस्तों, ये बिना जहर वाला है, इसकी पहचान बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप ऊपर से। ये डार्क चॉकलेटी कलर में दिखाई देता है, हल्का सा गोल्डन कलर बीच में दिखाई देता है, और उसके ऊपर काले काले चेक्स की तरह गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक हमें दिखाई देते हैं। और पूंछ की तरफ आप देख सकते हैं गोल्डन धारी है, हल्की सी काली, हल्की सी चॉकलेटी कलर में धारी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए पूंछ की तरफ। और ये मुंह देखिए, मुंह वाला थोड़ा जूम करिए, ये देखिए मुंह किस तरह है, नीचे से हल्का पीला है ना, पीला दिखाई देता है यहाँ पर। बहुत ही पहचान इसकी आसान है। और जरा आप बताइए इसके बारे में। बिहार में साथियों इसका नाम हरहरा सांप, हरहरा हिंदी में बिहारवासी हरहरा, हरहरा बंगला में हेले सांप, और इंग्लिश में जैसे सर ने बताया स्ट्रिप्ड किलबैक स्नेक, स्ट्रिप्ड किलबैक। थोड़ा सा भी साथियों जहरीला नहीं है। बहुत सारे अंधविश्वासी कहते हैं ना कि आसमान से गिरता है, आसमान से रुपया पैसा नहीं गिरता है, ऐसा तो हो सकता है? नहीं हो सकता। आसमान से अगर रुपया पैसा गिर जाए आकाश सर, तो फिर क्या जरूरत है लोगों को काम करने। बिल्कुल अंधविश्वास है, ये जहरीला नहीं होता है और इतना शांत स्वभाव का है कि ये सर काटता भी नहीं है। जी जी सर। ये एक साथ 30-40 की संख्या में पीपल, बरगद, बड़े बड़े गाछ में, खोडर में रहते हैं। अब जब जोर का बिजली कड़कता है, जोर का वाइब्रेशन होता है, बिजली कड़कने का कंपन होता है, तो एक साथ ये कभी देखिएगा गुच्छा किसी का आंगन में गिर गया, मेरा गिर जाता है, हाँ किसी का बरंडा में गिर गया, तो लोग कहते हैं कि अरे ऊपर से सांप गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल अंधविश्वास है। और बापी दासी जी, मैंने जाना बापीदा एक्सपर्ट जी, उनसे मैंने जाना, पहले भी मुझे पता था लेकिन उनके पास मैंने ज्यादा जानकारी ली कि एक मादा के पास काफी सारा नर जी, जो हमने देखा है ना वीडियो में, सही बात, कई बार मैंने देखा है एक सांप है और उसको कई सारे सांप लिपटे हुए दिखाई देते हैं, जैसे डॉग लोग का हाल होता है उसी तरह प्रजनन के समय डॉग लोग का ऐसा ही होता है। प्रजनन के वक्त पर इस मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर बहुत सारा ऐसा मेल स्नेक इसी प्रजाति का एक के ऊपर एक बहुत सारा दिखाई देता है, और लगभग ये कभी कभार बहुत सारे 40-50 एक साथ रहते हैं, और जिसके कारण कभी पेड़ पर, डाली पर, किसी ने देखा होगा पेड़ पर, डाली पर एक मादा के पीछे कई सारे सांप, और झट से वो गिरते भी होगा। तो उसी तरह ये अंधविश्वास फैलता है कि ऊपर से आसमान से गिरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये आसमान से नहीं गिरता, ये अंधविश्वास है जी। तो दोस्तों अभी बिना देरी के इसको रिलीज करें। हाँ सर, रिलीज कर दी, रिलीज कर दीजिए, इसको जाने दीजिए, ये देखिए इसको जाने दीजिए, जरा दूर तक दिख रहा। हाँ। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय शिवाजी राय। हाँ हाँ। क्या बोलेंगे? जय शिवराय, जय शिवराय। साथियों सॉरी अगर मुझसे अगर हो सकता है लैंग्वेज में, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। जय भीम जय शिवराय, वंदे मातरम, और खास करके बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए।